भिलाई नगर थाना क्षेत्र में मंगलवार की रात आपसी विवाद के बाद हत्या का मामला सामने आया है। पंथी चौक रुआ बांधा में मंगलवार की रात धर्मराज सेनानी, बाली जाल, सुमित जाल और शंकर तांडी नामक चार दोस्त मिलकर शराब पी रहे थे। शराब पार्टी के दौरान बाली जाल, सुमित जाल और शंकर तांडी की चौथे दोस्त धर्मराज सेनानी से किसी बात को लेकर विवाद हो गया। विवाद इतना बढ़ा कि तीनों ने मिलकर धारदार हथियार से धर्मराज सेनानी पर वार कर दिया, जिससे धर्मराज की मौके पर ही मौत हो गई। घटना की जानकारी मिलते ही भिलाई नगर पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए तीनों आरोपियों बाली जाल, सुमित जाल और शंकर तांडी को गिरफ्तार कर लिया है। ये बेवकूफ, तुमने पुलिस को ही समझाया है क्या? साथ में इन दोनों के गए छुरी छिपाने के लिए, साथ में गए ढाबे तक, एक बाइक पे गए तीनों, वो बाइक थी, दूसरा बाइक कौन चला रहा था? मामा जी एक हाथ तो मिट गया। गोलू मामा ने तो सही सलाह नहीं दी, कैसे बगुनी मामा हो गए वो? तो भाई तुम्हें सलाह दे रहा था गोलू मामा को कि भाई भागो यहाँ पे, मर्डर हो गया, कोई डर नहीं। बेसिकली मैंने सोचा ये होगा कि तुमने छिपा दिया, रात का टाइम है, कोई हमें पकड़ेगा नहीं, हम आराम से दबा के चिकी चिकन खाएंगे। वो टीम अप करके खेलते हैं। हाँ, तो ऐसा ही गेम होगा समझ रहा हूँ। तो जो फायर आर्म खेलते हो, तो गेम खेलते हो? फ्री फायर खेलते हो। फिर वही आग लगाई दिया कल तुमने, आग फ्री फायर फ्री में ही लगाया तुमने। ये फ्री फायर खेलने के बाद तो फ्री फायर खेलने के बहाने निकले। हाँ सर, और जाके ले लिए। हफ्ते में कितनी बार पीते हो जरा? हफ्ते में नहीं सर, तो महीने में। कल रात को दुर्ग भिलाई में एक दुखद घटना हुई, जिसमें तीन युवकों ने एक युवक को चाकू घोंप के उसकी हत्या कर दी। पुलिस को इसकी सूचना जैसे ही मिली, पुलिस ने टीम बना के जो है वो तीनों आरोपियों को पकड़ा। जो घटना में युवक चाकू है उसको पकड़ा। इसमें जो मास्टरमाइंड है वो पहले भी NDPS में और आर्म्स एक्ट में जेल जा चुका है, जबकि दूसरा एक्यूज मारपीट के तीन चार केस उसके खिलाफ रजिस्टर्ड है। कहीं ना कहीं जो मेन एक्यूज था, जब वो NDPS केस जिसमें वो जेल गया, उसमें सूचना जो है मृतक द्वारा ही दी गई थी। तो इसी शक में जब कल वो दोनों अचानक मिले 10:30 बजे, तो इन्हें पहले आपस में बातें हुई और उसके बाद फिर वो गुस्से में चाकू से इसकी हत्या कर दी। देखा जा रहा है कि यंग लड़के 20 से 25 साल के ITI इंजीनियरिंग पढ़े लिखे लड़के, जो कि नशे का इस्तेमाल कर रहे हैं, नशे के इस्तेमाल करने के बाद आपस में लड़ रहे हैं, पैसों की कमी के कारण तस्करी कर रहे हैं NDPS की, और क्राइम की दुनिया में घुसते जा रहे हैं। कहीं ना कहीं इनके माता पिताओं की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, पेरेंट्स की, कि ऐसे बच्चों पर नजर रखें जिनके खिलाफ केस हो गए हैं, उनको समझाएं। हमने भी पुलिस में एज ए फीडबैक इसको लिया है, जितने पुराने लोग हैं इन पे आर्म्स एक्ट और NDPS की कार्रवाई जो बाहर छूटे हुए हैं उन पर नजर रखी जाएगी कि इस तरह से चाकूबाजी की घटना है। एक दूसरा जो मृतक के साथ दूसरा लड़का था विक्की, जो किसी जान बचा के फरार हुआ है, तो उसकी भी ये लोग हत्या कर देते। निश्चित रूप से बड़े ही निर्ध्वंस तरीके से ये हमला कर रहे थे, इनको कोई गिल्ट नहीं है और ये आयतन अपराधी की तरह कार्रवाई कर रहे थे, और विधि संगत अभी इनको माननीय न्यायालय पेश किया जाएगा और इनको न्यायालय में सजा। विक्की और मृतक दोनों के खिलाफ इनको ये जो शक था कि इन्होंने ही मुखबिरी करके इनको NDPS गांजे के साथ पकड़वाया है, इसीलिए उन दोनों के को जो है वो उनके खिलाफ रोष था और गुस्से में उनकी हत्या करना चाह रहे हैं। विक्की को पुलिस ने जो रिकवर किया है उसके बयान दिया जा रहा है, उसके बयान को भी केस में जोड़ा जाए।